अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों मेरा नाम हकीम शालम, मेरे चैनल शिफा दवाखाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलशिफा चूर्ण के बारे में, जानेंगे अलशिफा चूर्ण के फ़ायदे, इस्तेमाल करने का सही तरीका और अलशिफा चूर्ण के कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों अलशिफा चूर्ण हर्बल दवाखाना कंपनी का क्लासिकल प्रोडक्ट है, इसको दूसरी कंपनियां नहीं बनाती। इसकी कीमत 115 रुपये है, यह वजन में 100 ग्राम है। दोस्तों बात करें अगर अलशिफा चूर्ण के कंपोजिशन की, इसमें पीपल, सौंफ, सना, काला नमक, शकमूनिया, छोटी हैड़, हींग, अजवायन, सेंधा नमक, इन सभी जबरदस्त जड़ी बूटियों द्वारा अलशिफा चूर्ण तैयार किया जाता है। अलशिफा चूर्ण के फायदे, पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर करता है, पेट की गैस और छाती में जलन होने की समस्या को दूर करता है, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को दूर करता है, शुगर को नॉर्मल करता है, खून के दबाव की वजह से होने वाली घबराहट को खत्म करता है, मोटापे को कम करता है, बढ़े हुए पेट की चर्बी को पिघलाकर पेट के साइज को नॉर्मल करता है, खाने को हजम करता है, भूख बढ़ाता है। जिन हजरात का पेट साफ नहीं होता, पोटी खुलकर नहीं होती, अलशिफा चूर्ण के इस्तेमाल से कब्ज की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और पेट साफ हो जाता है। अलशिफा चूर्ण के इस्तेमाल से मोटापा बहुत तेजी से कम होता है। अलशिफा चूर्ण 1 महीने में 2 से 3 इंच तक पेट कम कर देता है। अलशिफा चूर्ण का इस्तेमाल हाथों की गर्मी, लूज मोशन, पेट में ऐठन की समस्या में नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी अलशिफा चूर्ण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तरीका इस्तेमाल, 8 से 10 ग्राम रात को सोते समय गर्म पानी से या उम्र के मुताबिक इस्तेमाल करें। ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं कैसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।